हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक छोटा मिरल डिज़ाइन लेकर आई हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने 3 कलर का माइक्रम लिया है और 9 इंच का रिंग और मिरल लिया है, 9 इंच का इंच टेप लिया है कोट को नापने के लिए, और सीजर लाइट और ग्रीन कलर के बिट्स लिए हैं। यहाँ पर मैंने जो कोट लिया है वो सिंगल कोट मैंने 1 मीटर का लिया है। देखिए, हमें रिंग में यहाँ पर वाइट कोड अटैच करना है, रिंग में डालना है। देखिए, अब हमें 4 कोड को डालना है। यहाँ पर जो 4 कोट डाले हैं उन्हें हमें डबल पाइपिंग करके सारे कोट को इसी तरह से डालना है। यहाँ पर 4 कोट अटैच करने के बाद देखिए, यहाँ पर रेड कलर का 4 कोट यहाँ पर अटैच करना है रिंग में। इसी तरह से हम 2 बार पाइपिंग करते हुए 1 कोट को डालेंगे। सेम प्रोसेस, इसी तरह से हमें कोट को डालना है। ऐसे ही हमें ग्रीन कलर की भी 4 कोट को डालना है। यहाँ पर मैंने सिंगल कोट 1 मीटर का लिया है, ऐसे ही हमें सारे कोट को कट करना है। यहाँ पर देखिए, 3 कलर के माइक्रम से हमने कोट को रिंग में अटैच कर लिया है। अब देखिए, इसी तरह से हमें 3 ग्रीन, 3 वाइट और 4 हमें रेड कोट अटैच करना है। इसी तरह से हमें 4-4 कोट सभी तरह अटैच करना है। देखिए, यहाँ से फर्स्ट कोट लेकर हमें 1 कोट को 2 बार पाइपिंग करना है, फिर सेकंड कोट को लेकर फिर हमें 2 बार पाइपिंग करना है, फिर ऐसे ही हमें सारे कोट से पाइपिंग करते हुए जाना है। अब देखिए, पाइपिंग होने के बाद हमें फर्स्ट कोट को छोड़ते हुए फिर सेकंड कोट से पाइपिंग करना है। सेकंड कोट के ऊपर हमें पाइपिंग करना है। सारे कोट को हम इसी तरह से पाइपिंग करेंगे। और ऊपर का कोट लेकर फिर इसे भी पाइपिंग कर लेंगे। अब देखिए, 1 कोट छोड़कर फिर हमें सेकेंड कोट के ऊपर पाइपिंग करना है। ऊपर के कोट से भी पाइपिंग करेंगे।
अब देखिए यहाँ पर फिर हमें एक कोट छोड़कर फिर से पाइपिंग करना है नीचे का कोट सेकंड नंबर का लेके। फ्रेंड्स अगर आपका कोट कम पड़ जाए तो उसे लाइटर से चिपकाकर फिर से ज्वाइन कर लीजिए कोट को। फिर से हमें एक कोट को छोड़ते हुए सेकेंड कोट पर पाइपिंग करना है। अब ऊपर वाली कोट में हमें एक मोती डालना है। अब फिर से हमें पाइपिंग करना है नीचे वाले फर्स्ट कोट लेकर। फिर सेकेंड कोट लेकर पाइपिंग करना है। ऐसे ही हमें तीन कोट से पाइपिंग करना है। फिर ऊपर के फर्स्ट कोट लेकर फिर से हमें पाइपिंग करना है। यहाँ पर हमें चार कोट से पाइपिंग करना है। देखिए फिर से हमें फर्स्ट कोट लेकर पाइपिंग करना है। ऐसे ही हमें सारे कोट लेते हुए पाइपिंग करते जाना है और डिजाइन को कंप्लीट करना है। सेम प्रोसेस जिस तरह से हमने ऊपर बनाया है वैसे ही हमें नीचे भी बनाते हुए डिजाइन को कंप्लीट करना है और एक पत्ती का शेप देना है। फ्रेंड्स ये मिरर डिजाइन कैसा लगा जरूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना।
यहाँ पर देखिए डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर मैंने हाफ मीटर का कोट डाला है। इसे हमें हैंग करने के लिए एक डिज़ाइन बनाना है। देखिए यहाँ पर मैंने एक बार लेफ्ट और एक बार राइट वाला डिज़ाइन डाला है। इसे हमें हैंग करने के लिए बनाना है। इसे अब देखिए रिंग के नीचे से निकाल कर हमें एक सिंपल वाला एक नॉट लगाना है और चिपका देना है सारे कोट को। अब देखिए यहाँ पर मैंने मिरर लिया है। इसे हमें माइक्रम से अटे पूरा कवर करना है। इसे बांधना है हमें। यहाँ पर मैंने कोई रिंग नहीं लिया है इसे सेव करने के लिए। यहाँ पर धागे से ही हमें कांच को फिक्स करना है। देखिए कोट को हमने अटैच करने के बाद फिर नीचे से कोट निकाल कर फिर पाइपिंग करना है। अब हमें कांच लगा कर देखना है। फ्रेंड अगर आपका कांच या मिरर अगर टूट भी जाता है तो इसी तरह से आप दूसरा कांच भी डाल सकते हो। फ्रेंड्स ये मिरर का डिजाइन कैसा लगा प्लीज ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर मिरर को अच्छी तरह से सेट करने के बाद यहाँ पर अच्छे से खींच कर अच्छा टाइट करके बांधना है और सारे कोट को जो भी बचे हैं उन्हें अच्छी तरह से चिपका देना है। देखिए फ्रेंड्स ये मिरर डिजाइन तैयार हो गया है। प्लीज़ कैसा लगा ज़रूर बताना। धन्यवाद।